नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में प्रखंड कोट कासिम जिला भिवाड़ी के खंड कतोपुर गांव में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विहिप जिला मंत्री यशपाल आचार्य मुख्य अतिथि रहे, तो वहीं विहिप जिला सत्संग प्रमुख भास्कर भारद्वाज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। जिला मंत्री जसपाल आचार्य ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया एवं हमें हमारी आने वाली संतानों को सनातन धर्म के अनुरूप ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारे पतन का मुख्य कारण है कि हमने कलावा बांधना छोड़ दिया, सिखा रखना एवं जनेऊ धारण करना भी बंद कर दिया है। इन सभी चीजों को हमें पुनः अपनाते हुए सनातन धर्म को जीवित रखना पड़ेगा। इधर जिला सत्संग प्रमुख भास्कर भारद्वाज ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा किए जा रहे अवैध धर्मांतरण का हम हिंदुओं को पुरजोर विरोध करना चाहिए एवं गाय की हमें नित्य पूजा करनी चाहिए। गाय हमारे जीवन में एक वैद्य का काम करती है। प्रत्येक हिंदू के घर में एक गाय होना चाहिए, जो अति आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान आए हुए सभी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम जय बजरंग बली के उद्घोष लगाए। भला तो बहुत सारे लोग हिंदू जन्म लेकर भी मुस्लिम हो जाते हैं, वो यही नहीं समझ पाते कि जब बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, अमेरिका नहीं था, उस समय केवल था तो हमारा भारत। इससे बड़ा क्या परिणाम चाहिए हमें? जब कुछ भी नहीं था तो सनातन धर्म था, और देखा जाए तो धर्म तो एक सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब है। कोई कब बना, कोई कब बना, लोगों ने अपने हिसाब से चीजें बना ली। लेकिन हम और आप तो बड़े गौरवशाली हैं, बारंबार प्रणाम करना चाहिए हमारे प्रभु को कि हमने एक ऐसे सनातन धर्म में हिंदुत्व में जन्म लिया कि जिसमें सिर्फ देवता लोग ही जन्म लेते हैं, सबके बस की बात नहीं है। ये भारत देश हर तरफ विख्यात इसलिए नहीं है कि यहां पैसे रहते हैं, लोगों की आबादी रहती है। सदानंद महाराज जी कहा करते थे अपने प्रवचनों में स्वामी दयानंद। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।